तो मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे दिन आज पंप का उद्घाटन हुआ है और एक बढ़िया समारोह आयोजित है और इसमें मेरी शुभकामना है कि पंप का लोकेशन और साइट इतना बढ़िया है कि एक तो चिरैया को एक और बढ़िया उपहार मिला पंप के रूप में, लोगों को और सुविधा मिल गई। हम तो इतना खुश हैं कि हमारे चिरैया की जनता को घर में बैठे ही पंप पहुंच गया और तेल लेने की सुविधा हो गई, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। इसलिए सबसे बधाई के पात्र है हमारे इंजीनियर साहब जिनका पंप खुला है। श्री श्री 108 श्री भास्कर दास जी महाराज त्यागी बाबा, अच्छा धर्मपुर सबगाढ़ा। सबगाढ़ा में रह रहे हैं अभी जी। अच्छा क्या काम हो रहा है अभी वहाँ? मंदिर का काम हो रहा है। रोड से सटा हुआ नजदीक है, सटा हुआ अच्छा लग रहा है इसमें। बहुत खुशी का बात, मतलब लॉकडाउन लग गया है और हम लोग का कमाई नहीं हो रहा है तो फिर सब चीज में कम होना चाहिए। इससे और बगल में हो रहा है इन्हीं का एक पेट्रोल पंप, हाँ 10 कदम हटकर। लॉकडाउन हर साल लग ही रहा है और डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपये से टपिए गया है क्या। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड के मिश्रौलिया चिरैया में मां योगेश्वरी पेट्रोलियम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री सह मधुबन विधानसभा विधायक राणा रणधीर सिंह, वर्तमान विधायक चिरैया विधानसभा लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, पूर्व विधायक चिरैया विधानसभा लक्ष्मी नारायण यादव, MLC बबलू गुप्ता, पूर्व जिला पार्षद अध्यक्षा मंजू देवी एवं राजेश्वर ठाकुर ने नारियल फोड़ा एवं फीता काटकर पंप का शुभारंभ किया। मिश्रौलिया चिरैया सहित स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आए दिन गाड़ियों की संख्या में वृद्धि के कारण पंप का होना आवश्यक है। इस समारोह में पूर्व मुखिया खड़तरी पूर्वी राकेश कुमार, पूर्व मुखिया प्रत्याशी खड़तरी पूर्वी बच्चा आलम, मुखिया खड़तरी मध अजय साह, मुखिया रामपुर उत्तरी मनोज कुमार यादव सहित DDO मास्टर खुर्शीद आलम, मास्टर मोहम्मद हफीज अंसारी, मास्टर मोहम्मद इस्लाम अंसारी, निवेदक कपिल देव बैठा, इंजीनियर शंभु सुमन मुख्य रूप से शामिल रहे। अतिथियों को माला चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रथम 11 ग्राहकों को उपहार देकर गौरवान्वित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज और मैं हूं समीउल्ला चंपाडी। मिश्रौलिया चिरैया में उद्घाटन हुआ है माँ योगेश्वरी भारत पेट्रोलियम का। उद्घाटन के मौके पर हमारे साथ देखिए पूर्व सहकारिता मंत्री सह विधायक मधुबन विधानसभा के राणा रणधीर जी है बात करेंगे। सबसे पहले विधायक जी स्वागत है इस चिरैया की धरती पर। सबसे पहले तो आज बहुत ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति का अवसर है और ऐसे दिन पर माननीय विधायक जी लाल बाबू जी चिरैया के, माननीय बबलू गुप्ता जी और पूर्व विधायक हम लोगों के अभिभावक आदरणीय लक्ष्मी यादव जी भी उपस्थित हैं। मुझे भी आज पेट्रोल पंप जो माँ युगेश्वरी पेट्रोल पंप के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आने का सौभाग्य मिला और इस नाते माननीय विधायक जी से और सभी मित्रों से मिलने का भी अवसर मिला। तो मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे दिन आज पंप का उद्घाटन हुआ है और एक बढ़िया समारोह आयोजित है और इसमें मेरी शुभकामना है कि पंप का लोकेशन और साइट इतना बढ़िया है कि एक तो चिरैया को एक और बढ़िया उपहार मिला पंप के रूप में, लोगों को और सुविधा मिल गई। क्योंकि गाड़ियों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो पंप की आवश्यकता महसूस होती है लोगों को और इस नाते ये पंप जो है लोगों की सेवा में खुला है। तो माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, माननीय विधान पार्षद जी, सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और पंप के जो मालिक हैं उनके पूरे परिवार को भी बहुत शुभकामना कि पंप बढ़िया से चले, लोगों की बेहतर सेवा हो। और आप सब मीडिया कर्मियों को भी बधाई कि भाई आप सब रहते हैं तो ये सब सूचना और खबर लोगों तक पहुँचती है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चिरैया विधायक है लाल बाबू गुप्ता, अब क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर, क्या संदेश देंगे लोग? अरे इसमें अब कहने की कहाँ कुछ बाकी रह गया, हमारे पूर्व मंत्री जी बतावे की है हक बनता क्योंकि आप विधायक है, ये तो अलग विधानसभा के विधायक। हम तो इतना खुश हैं कि हमारे चिरैया की जनता को घर में बैठे ही पंप पहुँच गया और तेल लेने की सुविधा हो गई, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। इसलिए सबसे बधाई के पात्र है हमारे इंजीनियर साहब जिनका पंप खुला है, जो उन लोगों ने जनता की सेवा के लिए हम लोगों के घर तक तेल पहुंचा रहे हैं और एक दूसरा भी पंप हमारे घर के बगल में भी इनका खुला है। इनको बहुत बहुत बधाई है कि इस तरह के कार्य में इनकी सफलता मिले, भगवान इनको सफलता आगे बढ़ाओ और आगे करते रहें, यही मेरी शुभकामना है।
उद्घाटन हुआ है पेट्रोलियम का। हमारे बीच देखिए एक बाबा नजर आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? श्री श्री 108 श्री भास्कर दास जी महाराज त्यागी बाबा। अच्छा, धर्मपुर सबगाढ़ा। सबगाढ़ा में रह रहे हैं अभी जी। अच्छा, क्या काम हो रहा है अभी वहाँ? मंदिर का काम हो रहा है। मंदिर बन गया है या बन रहा है या बना हुआ है? अभी बन रहा है, नया मंदिर बन रहा है। अच्छा, नया मंदिर बन रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हम अयोध्या के वासी हैं, यहाँ सबगाढ़ा में जो है मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा, माँ योगेश्वरी पेट्रोलियम का उद्घाटन के मौके पर आया, कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा है। वैसे भी शंभू जी हमारे भक्त भी हैं, हमारे बहुत चाहते भी हैं। अच्छा, हम उनको आशीर्वाद यही देंगे, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहे, राम जी जो है उनके ऊपर सदा सहाय रखें अपना, हनुमान जी। और बहुत खुशी हुआ हमको पेट्रोल पंप खुलने से, और अच्छी बात भी है यहाँ रोड के किनारे भी है और गाड़ियाँ इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो इसके लिए पेट्रोल पंप ज़रूरी है, बस इतने ही। लेकिन आए दिन पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कितना भी पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ जाए लेकिन गाड़ी बंद नहीं होने वाली है, ऐसा संभव ही नहीं है। देखिए माँ योगेश्वरी पेट्रोलियम का उद्घाटन हो गया है, देखिए यहाँ पर ग्राहकों की भी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर देखिए ग्राहक भी अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, यहाँ दिखाइए कैमरे की नज़र में, बात करेंगे इनसे। सुबोध कुमार नाम हुआ। कहाँ के हैं? लखौरा के। लखौरा? लखौरा से आए हैं आप, ओपनिंग हुई है पेट्रोल पंप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रोड से सटा हुआ पेट्रोल पंप? रोड से सटा हुआ नज़दीक है, सटा हुआ, अच्छा लग रहा है इसमें, बहुत खुशी का बात है। क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन कुमार कहाँ के हैं? सिसवा मंगल से। सिसवा मंगल से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मोतिहारी। ये नए नए पेट्रोल पंप का कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। आए दिन मतलब पंप तो बढ़ रहा है लेकिन डीजल पेट्रोल भी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? कम होना चाहिए, मतलब लॉकडाउन लग गया है और हम लोग का कमाई नहीं हो रहा है तो फिर सब चीज़ में कम होना चाहिए। बोलिए, क्या नाम है? राम नरेश यादव। राम नरेश यादव कहाँ से आ रहे हैं? बस बगल से, चिरैया। चिरैया के हैं? हाँ। तो बिल्कुल अब घर के बगल में पेट्रोल पंप हो गया है, इससे और बगल में हो रहा है इन्हीं का एक पेट्रोल पंप, हाँ 10 कदम हट कर। अच्छा। घर के बगल में ही, इधर थोड़ा 3-4 किलोमीटर अलग है, अभी हो रहा है जो बगल में, अभी शुरू नहीं हुआ है, सब काम हो गया वहाँ भी कोलासी। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का जो कीमत बढ़ रहा है इस पर क्या विचार रहेगा? क्या विचार है सरकार, देखिए लॉकडाउन हर साल लग ही रहा है और डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपये से टपिए गया है, का क्या लगता है? हम लोग गिराता है तो धान गेहूं का रेट घट ही रहा है ना, अब बाढ़ आकर दवाइये दे रहा है तो कभी सूखिए जा रहा है ना, और डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है।